पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा ने राज्य के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत पर बानसूर की जनता को भ्रमित करने के आरोप लगाए हैं। शर्मा ने कहा, मंत्री रावत को बानसूर की भौगोलिक स्थिति का भी ज्ञान नहीं है। मंत्री ने जिस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के बोर्ड लगाए हैं वह तो नेशनल कंजर्वेशन जोन है। पूरा बानसूर क्षेत्र नदी बहाव होने के कारण वहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किया जा सकता, लेकिन विधायक व मंत्री शकुंतला रावत वाहवाही लूटने के लिए बानसूर की जनता को भ्रमित कर रही है। पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा ने अलवर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए राज्य के उद्योग मंत्री व बानसूर विधायक शकुंतला रावत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंत्री बानसूर की जनता को गुमराह कर रही है। यहां उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की है और बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए, जबकि यह एरिया नेशनल कंजर्वेशन जोन में होने के चलते सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के निर्देशों के तहत नदी नाले व बहाव क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किए जा सकते। लेकिन स्थानीय विधायक शकुंतला रावत ने यहां के बेरोजगारों के साथ छलावा किया है, स्थानीय लोगों को भ्रमित कर झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास किया है। शर्मा ने कहा, उन्हें बानसूर की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है। आज हम करीब 2 महीने बाद मिल रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, मैं एक तो बजट से संबंधित मेरी जो ओपिनियन बनती है आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को या जिले को कहना चाहूँगा बजट के बारे में। दूसरा, जो अलवर जिले से जो मंत्रिपरिषद के लोग हैं वो किस तैयारी के साथ अपने अपने विभागों में जो काम कर रहे हैं उनके बारे में उनको कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज नहीं है, ये भी एक बानसूर में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वहाँ मंत्री महोदय जो मर्जी आए उस बात की घोषणा कर देती है और उनका बोर्ड लगा देते हैं कि ये विकास का कार्य हमने कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है उसका श्रीमती शकुंतला रावत जी जो उद्योग मंत्री हैं वो पूरे राजस्थान में तो उद्योग कैसे उद्योग लगा पाएंगी, उनको राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की तो जानकारी शायद ही हो, उनको बानसूर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी नहीं है। राजस्थान की जानकारी के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, बानसूर की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बार वो विधायक है। बानसूर विधानसभा क्षेत्र नेशनल कंजर्वेशन जोन NCR के जोन में आता है और इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आया है कि जो बहती नदियों के पानी को जो कैचमेंट एरिया है उसको रोका नहीं जाए सकता है, आदमी फार्म हाउस बना सकता है, फिशरीज का काम कर सकता है, एग्रीकल्चर का काम कर सकता है, लेकिन इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं लगा सकता। तो इसमें हमारा ये मानसूर का एरिया पूरा जो है NCZ में, इसको बोलते हैं NCZ नेशनल कंजर्वेशन जोन, इसमें आ गया बांस शेखावत, बांस कर्णावत, नीबूचाना खोरी, आपका इंद्राड़ा खोरी, आपका नवलपुरा, आपका श्यामपुरा और आपकी खीवाड़ी और आपका बांसदया, ये सारा एरिया आगर इन पर शकुंतला ने रिको के बोर्ड लगाए। तो नियमों में नहीं है तो रिको कैसे, लेकिन शकुंतला ने तो ये दिया कि जो हमने कह दिया वो शिफ्ट करना भटकर शकुंतला रावत कैसो झटकर, तो बोर्ड लगवा देती है, बाकी लेना एक देना दो। हम तो चाहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल एरिया बने,
मैं जब मिनिस्टर था तो मेरी बहुत कोशिश थी, मेरी बहुत कोशिश थी कि बांसुर को इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए, और रिको का चेयरमैन भी मेरे दोस्त थे सुनील अरोड़ा साहब, सेक्रेटरी टू सीएम थे और रिको के वो भी थे। हाँ, तो मैंने जैनपुर बास उस वक्त बांसुर विधानसभा क्षेत्र का पार्ट था, तो मैंने पूरे तहकीकात करके और नियम अनुसार मैंने जैनपुर बास में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया। उस वक्त हम गुत्तासापुर में बनाना चाहते थे, तो गुत्तासापुर में अड़चन यही आ गई इसकी कैचमेंट एरिया की, गुत्तासापुर में। तो उस वक्त मंत्री थे यादव साहब, वो बिहार वाले, क्या नाम उनका, वो गुत्ता के सापुर के रिश्तेदार भी थे, शरद यादव जी को मैंने बुलाया था कि गुत्तासापुर में इतनी सारी लैंड है और आपका रिश्तेदारी से कनेक्शन जुड़ा है, तो वो बड़े सेंटिमेंट थे उस पर, गुत्तासापुर में कुछ करना चाहते थे। वो गुत्ता में आए और उन्होंने ये कहा कि मैं इसको इसमें इंडस्ट्री तो नहीं लग सकती, लेकिन मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसमें लगाऊंगा या एग्रीकल्चर का कोई करूंगा, ये उन्होंने घोषणा की थी। तो उसके बदले में फिर काम भी हुआ, हमारे एग्रीकल्चर का एक छोटा सा इंस्टीट्यूट भी खुला वहाँ पर, और फिर उसके बाद वो काम बंद हो गया। अब शकुंतला रावत जी कहती हैं जब सारा ही एरिया में इंडस्ट्री नहीं लगा सकती, तो वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए या अपने चैतों को रिझाने के लिए युवाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर ये झूठी घोषणाएं कर रही। अभी एक अखबार ने पूछा कि ये NCZ का है, आप बना नहीं सकते, तो उसने कहा कि रोहितास जी तो गलत कहते रहते हैं, उनको तो ज्ञान नहीं है। मैं ये सारे डॉक्यूमेंट और नक्शा आपके पास ले आया हूँ, इसकी चाहे तो आप कॉपी भी ले सकते हो। तो ये पूरा उसका 2021 का NCR का NCZ का पूरा वो है वृत्तांत इसमें। तो शकुंतला को ज्ञान ही नहीं। अब ऐसी महिला राजस्थान की मंत्री बनके राजस्थान की जनता क्या उम्मीद करती है कि इंडस्ट्री लगा सकते हैं, इसको तो कुछ भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं।